बच्चों, तो यहाँ पर ये चौथी जमात का ईवीएस है, सबक नंबर छठा, वीजा में तनु। ठीक है, तो चलिए आइए करके देखें। हम बाजार से लाई हुई सब्जियों, अनाज वगैरह का इस्तेमाल अपनी वीजा में हमेशा करते हैं। इसको सामने रखकर नीचे दिया हुआ अमली काम करेंगे। ठीक है, अब बाजार या दुकान से कौन सा अनाज या सब्जियां आपके घर लाई जाती हैं, इसकी मालूमात हासिल कीजिए। तो ये आपको अपनी अम्मी से पूछ के करना होगा। दूसरा है कि अपनी ब्याज में मंदरजा जेल के मुताबिक जदूल बनाकर अनाज या सब्जियों के जरिए आपके घर में बनाई जाने वाली गिजा की अशिया का इंदराज कीजिए। यहाँ पे जिस तरह से देखिए ये बना है, नंबर शुमार दिया गया है, फिर अनाज और सब्जियों, चावल यानी जो भी दिया गया है, फिर उसके बाद घर में बनाई गई अशिया कौन कौन सी है, तो उसको इस तरह से कितने टोटल हो गए, यानी चावल से ये तीनों चीज बनाई गई है ना, तो कुल तादाद भी तीन है। इस तरह से आप भी अपने मन से यहाँ पे और डालिए। ठीक है, इसको हम अपने सवाल जवाब के पेज पर भी आपको समझाएंगे। अपनी बनाई हुई फहरिस्त देखिए, इसमें अनाज या सब्जी की एक से ज्यादा अशिया बनाई गई होंगी। ऐसी अशिया के सामने खाने में कुल तादाद भी लिखिए। यहाँ पे देखिए तादाद भी बताई गई कि कितने खाने हैं यहाँ पर। फिर आपके तैयार करदा फहरिस्त का अपने दोस्त या सहेली की फहरिस्त से मुआजना कीजिए। दोस्त या सहेली से देखिए कि उसने कैसे बनाया, उसने कितने बनाए। आपकी फहरिस्त में जो अशिया ना हो लेकिन इसकी फहरिस्त में मौजूद हो, तो ऐसी अशिया जेल की तरह जदूल में लिखिए। तो यहाँ पर इस तरह की दूसरी भी फहरिस्त इस तरह से बनाइए, और जो चीज आपने बनाई उसने नहीं बनाई वो यहाँ पर आपको इंदराज करना है। आपको मालूम होगा कि बाज वक्त एक ही गिजा चीज से मुख्तलिफ गिजाई अशिया तैयार होती हैं। अब गिजाई अशिया मुख्तलिफ होने के बावजूद उनमें पाए जाने वाले अहम अज्जा एक जैसे होते हैं। ऊपर दी हुई मिसाल में हमने चावल के जरिए बनाई गई मुख्तलिफ गिजाई अशिया देखी है ना। चावल से क्या बनाया, मोदक बन गया, चावल से डोसा बन गया, और देखो यहाँ पर चावल से चावल की रोटी, चावल से इडली, और चावल जो फरेरे हम दाल चावल के साथ खाते हैं वो वाला चावल भी बन गया है। यानी चावल से कितनी चीजें बन गई है ना। तो आपको मालूम होगा कि बाज वक्त एक ही गिजा जैसी चीज मुख्तलिफ गिजाई अशिया तैयार होती है। गिजाई अशिया मुख्तलिफ होने के बावजूद उनमें पाए जाने वाले अहम अज्जा एक जैसे होते हैं। ऊपर दी हुई मिसाल में हमने चावल के जरिए बनाई गई मुख्तलिफ गिजाई अशिया देखी है। ये जहन में रखिए कि हमारे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की गिजाई अशिया में फर्क पाया जाता है। तो आइए दिमाग पर जोर दे, किसी रियासत में एक गिजाई शय अहम होती है, उसकी क्या वजह हो सकती है। अब रियासत के लिहाज से हम गिजाई अशिया में भी फर्क पाया जाता है, इसकी भला क्या वजह हो सकती है। तो ये आपको अपने जहन पे जोर देना है, आपको सोचना है कि बताइए तो भला भारत में अहम गिजाई फसलें हैं यहाँ पर कौन कौन सी फसलें ज्यादा होती है, चावल, गेहूं और जवार। अब ऊपर दिए हुए नक्शे का मुशाहिदा कीजिए, इस नक्शे को अच्छे से देख लीजिए और मुल्क में गिजाई फसल की तकसीम जहन नशी कीजिए। तो मुल्क में कौन कौन सी फसल जो गिजा ज्यादा खाई जाती है उस पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मैंने तीनों के नाम बताए कि ये ज्यादातर हमारी रियासत में चलते हैं। अब रियासत के लिहाज से फसल की तकसीम का फर्क समझिए। अब पहला है कि साहिली इलाकों की रियासतों में कौन सी गिजाई फसल ज्यादा तनासुब में होती है। दूसरा है कि शुमाली भारत में कौन कौन सी गिजाई फसलें पैदा होती हैं। तीसरा है कि वस्ती हिस्से में कौन कौन सी अहम गिजाई फसलें हासिल होती हैं। भारत के जनूबी हिस्से में चावल की फसलें बड़े पैमाने पर होती हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर वस्ती हिस्सा, और देखिए चावल, गेहूं, ज्वार कहाँ कहाँ ज्यादा हो रहे हैं। तो ये आप इसको समझिए, ये क्या है, चावल है, ये गेहूं है, ये ज्वार है। ये जहां जहां तस्वीरें हैं वो आपको देख के समझ में आएगा कि कहाँ पे किसकी पैदावार ज्यादा हो रही है। ये पूरे भारत के नक्शे को बताया जा रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा चावल देखिए हर जगह उगता है, यहाँ भी कोलकाता के साइड देखो पूरा ये चावल ही उग रहा है, और यहाँ पे देखिए पूरा चावल चावल उग रहा है। क्यों ये ऐसा है बताइए, आप ये तस्वीर को देख के समझ रहे होंगे कि चावल को ना पानी ज्यादा लगता है, और ये जहां भी हो रहा है ना पानी के किनारे किनारे, एरिया के किनारे ये ज्यादा उग रहा है। देखिए हर किनारे पानी है ना ये सब, और यहाँ पे चावल ज्यादा पैदावार हो रही है,
इसका मतलब पानी ज्यादा लगने वाला अनाज जो है वो चावल है, और जहां इसको पानी ज्यादा मिलता है यहाँ उसकी पैदावार अच्छे से होती है। तो भारत के जुनूबी हिस्से में चावल की फसल बड़े पैमाने पर होती है, इसकी क्या वजह? तो मैंने अभी आपको इसकी वजह बताई, पानी है। हमारे मुल्क में हर जगह जरात की जाती है, ये जरात खास तौर पर बरसात के पानी पर मुनसर होती है। बारिश हर जगह यकसान नहीं होती, वो कम या ज्यादा होती है। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में चावल, नारियल, नाचनी यानी रागी, वरई जैसे फसलें उगाई जाती है। देखो बच्चों, ये चार चीजों का नाम बारिश के मौसम के लिए बताया जा रहा है। औसत बारिश यानी वहां के इलाकों में गेहूं, तूर दाल, सोयाबीन की फसलें उगाई जाती हैं। कम बारिश, अब देखो कम बारिश के इलाके में भी जवार, बाजरा, मटकी वगैरह की काश्त की जाती है। फसल अच्छी आने के लिए अच्छे बीज, जरखेज जमीन, मुनासिब धूप और जरूरत के मुताबिक पानी चाहिए। हमारे मुल्क में मौसम के लिहाज से अनाज और सब्जी तरकारियों की काश्त में फर्क नजर आता है। अब आइए ये करके देखते हैं। यहाँ पर एक ये फल फरोश है जो कि फल फ्रूट बेचने वाले हैं, तो अपने इलाके के फल बेचने वाले से मुलाकात कीजिए। दुकान में फरोख्त के लिए रखे हुए फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। जेल में दिए हुए नुकात पर इनसे गुफ्तगू कीजिए, यानी ये सारे सवाल आपको फल फरोश से पूछनी है। पहला है कौन से फल साल भर फरोख्त किए जाते हैं, वो उससे आप पूछोगे कि साल भर कौन से फल है जो बिकते ही बिकते हैं, आपको भी मिल जाते हैं हर जगह। दूसरा है कि बरसात में ना मिलने वाले फल कौन से हैं। तीसरा है कि गर्मा में कौन से फल बाजार में मिलते हैं। चौथा है कि किस मौसम में फल बहुत ज्यादा मिलते हैं। पांचवा है कि कौन से मौसम में फल कम मिलते हैं। अब फलों की दस्तियाबी मौसमों के लिहाज से कम ज्यादा होती है, मौसम के लिहाज से इनमें फर्क भी पाया जाता है। आइए दिमाग पर जोर देते हैं कि तस्वीर में दिए हुए फल देखिए। देखिए यहाँ पे सारे फल रखे हुए हैं, तो नीचे दिए हुए नुक्कात को सामने रखकर ब्याज में जदुल बनाइए, और आपको इस तरह से एक जदुल बनाना है। गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम और सर्दी का मौसम, ठीक है। और किस मौसम में कौन से फल आते हैं, इसका तस्वीर में जो फल नहीं है लेकिन आप उनसे वाकिफ है तो उसे फलों के नाम भी मौसम के लिहाज से जदुल में लिखिए। तो ये वाला जो कॉलम है हम भरेंगे हमारे जवाब के पेज पे, ओके। तो क्या करेंगे भला, इरफान और नईम को बाजार में आलू बहुत सस्ते मिले हैं, वो आलू का सालन खाने से उकता रहे हैं। आप उन्हें आलू से बनने वाली मुख्तलिफ अशिया के नाम बताइए। अरे बताइए, उन्हें चिप्स बनाइए और फिर वो फ्रेंच फ्राइज होता है ना जिसको हम सॉस और चटनी के साथ खाते हैं, मायनीज के साथ खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज है ना, वो आलू से बनाइए, चिप्स बनाइए, आलू को इस तरह से यूज करिए। बताइए तो भला, जेल के नक्शे में महाराष्ट्र और इतराव की रियासतों को मशहूर गिजाई अशिया दी हुई है। नक्शे का मुशाहिदा करके जेल का अमल कीजिए, ठीक है। ये नक्शा आप देख लीजिए, और इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि जो नक्शे में महाराष्ट्र के इतराफ आसपास, ये जो महाराष्ट्र है लेकिन उसके आसपास गुजरात है, या उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर रियासत छत्तीसगढ़ है, ये रियासत तेलंगाना, ये आसपास को बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इन लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, तो उसको आपको फेहरिस्त बनानी है। अब रियासत के अशिया की फेहरिस्त बनाइए। ये अशिया कौन से अनाज, फल, तरकारी से बनाई गई है, इस बारे में मालूमात हासिल कीजिए। इसे इस्तेमाल की गई अशिया चीजों के सतून में लिखिए। तो यहाँ पे पहले उसकी जिला या रियासत लिखना है, यहाँ पे अशिया लिखना है, कोई भी जिस चीज को आप बना रहे हो फिर उससे क्या बन गया वो यहाँ लिखना है। लेकिन आपको लेना कहाँ से है, उसके आस पास के महाराष्ट्र के इतराफ के रियासतों की मशहूर गिजाई अशिया। तो यहाँ पे ढोकला थेपला गुजरात का बता रहा है ना, तो यहाँ पे आप लिख लोगे यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे उसकी अशिया क्या है, ढोकला और थेपला। इस्तेमाल की गई गिजाई अशिया में उसमें क्या क्या, उसमें जैसे बना है वो चीजों के नाम डाले। इसको हम जवाब के पर्चे पे भी देंगे। किसी भी इलाके में पैदा होने वाली खास फसल का इस्तेमाल इस इलाके में मुख्तलिफ अशिया बनाने के लिए होता है। मसलन महाराष्ट्र की सतह मुर्तफा के इलाके में जवार बड़े पैमाने पर पैदा होती है। इस इलाके में जवार से हुरडा, खिलिया, रोटी, गंगनिया, पापड़, सांगे, अम्बेल, थबाटे, धरडे वगैरह बनाए जाते हैं। कोकन या साहली इलाकों में चावल, नारियल और कोपरे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। वस्ती महाराष्ट्र में जवार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और राई वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। इस बात को जहन में रखिए कि मिट्टी और मौसम के लिहाज से फसलों में फर्क पाया जाता है। इस फर्क की वजह से किसी इलाके के लोगों को
खुराक तय पाई पाती है। क्या आप जानते हैं, पहले मखसूस मौसम में मिलने वाले कुछ फल और सब्जियां अब साल भर मिलने लगी है। इसकी चंद वजूहत है। देखो, पहले क्या हो जाता था, हमें पता था कि ये चीज ना सिर्फ सर्दी में ही मिलती है, ये चीज ना सिर्फ गर्मी में ही मिलती है, ये सिर्फ बारिश में ही मिलती है, ऐसा हम पहले कहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि अब हमें कोई चीजों की बहुत ज्यादा, सारी चीजें हमें ज्यादातर साल भर मिलती है। इसकी वजह है कि साल भर पानी हमें मिलता रहता है। दूसरा है कि अच्छे बीजों की हमें दस्तियाबी हो गई है, अच्छे बीज भी हमें मिलने लगे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले फल और सब्जियां हमें आसानी से मिल जाती है। कैसे? नकल हमल के तेज जर्राए की सहूलत की वजह से। यानी जो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया जाता है ना, जैसे वो ट्रक होते हैं, लॉरिया होती हैं, या जो रेलगाड़ी होती है ना, उसमें भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को नकल व हमल कहा जाता है। और इसी की वजह से हमें हर चीज, हर दुनिया की कोई भी चीज हमें हमारी जगह तक मिल जाती है। आप भले ही पैसा देते हो, लेकिन लाने ले जाने का काम जो लोग करते हैं वो नकल व हमल के जर्राए से होता है, पानी की वजह से होता है, अच्छी बीजों की वजह से होता है, और ये सारी चीजें हमें दस्तियाब हो जाती हैं हमारी जगह पे। आइए दिमाग पर जोर दें। फर्ज कीजिए कि आपको ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल और मकई से बनाई हुई गिजाई अशिया खाने के लिए नहीं मिलेंगी, तब आपको कौन सी अशिया खानी पड़ेगी? इस बारे में गौर करके फहरिस्त बनाइए। तो बच्चों, ये आप लोग अपने ग्रुप में मिलकर करिए और एक फहरिस्त बनाइए, और उसमें ये सोचिए कि ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, जो कि रोजमर्रा के हमारे खाने में होता ही होता है, तो ये ना मिले तो आप क्या खाओगे? तो बच्चों, आप लोग बोलोगे हम मैगी खाएंगे। नहीं नहीं मैगी नहीं खाना है, आपको एक लिस्ट बनानी है कि ये ना मिले तो आप क्या खाओगे। ओके, ऐसे हमेशा जहन में रखे इसे, कौन सी फसलें उगाई जाएं, इसका इनिसार इलाके के मौसम, मिट्टी, पानी और हमारी जरूरतों पर होता है। इस लिहाज से खुराक में कौन सी अहम गिजाई शामिल होना, ये भी तय पाता है। देखो बच्चों, क्या हो जाता है, जब हम खेतों में किसान काम करते हैं तो उन्हें अगर अच्छे से पानी मिल रहा होता है, उन्हें अच्छी बीजें मिल जाती हैं, अच्छी मिट्टी वहां की होती है, तो वो किसान बहुत अच्छी फसलें उगाता है, और इस लिहाज से क्या होता है, गिजाएं अच्छी उगती है, और वो फिर ट्रक वगैरह के जरिए जो है नकल व हमल की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, वो इस तरह से हमें मिल जाती है आसानी से। ठीक है, हमने क्या सीखा? अब गिजाई अशिया में तनु यानी उसकी वेराइटीज है, अलग अलग है। वो इलाकों के लिहाज से गिजाई अशिया में तनु होता है, और जैसे जैसे इलाके अलग अलग होते हैं, वहाँ पानी की सहूलत होती है, वहाँ पानी की सहूलत कम होती है, तो वहाँ की फिर वहाँ पे जो वेराइटीज होती हैं वो इसी हिसाब से कम और ज्यादा होती हैं। अब मौसम के लिहाज से अनाज, फलों और सब्जियों की दस्तियाबी भी इसी हिसाब से होती है। अब महाराष्ट्र और पड़ोस की रियासतों के मुख्तलिफ गिजाई अशिया जो भी हमने उस जो हमने ग्राफ में देखा है, वहां पे भारत के नक्शे में देखा है, इसको हम उसी से समझेंगे कि किस महाराष्ट्र के पड़ोस की रियासतों के मुख्तलिफ गिजाई अशिया क्या क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक पूरा हो गया। तो इस सबक को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझने में तकलीफ होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर इसका जवाब दूंगी। तो यहाँ पर चलिए इसके मश्क पूरी कर लेते हैं, यानी इसके सवाल जवाब भी पूरे करते हैं। सवाल जवाब के लिए मैं ये पेज पे आ जाती हूँ। इसके लिए मैं एक पेन ले लूंगी, तो मैं इसे अंडरलाइन कर करके आपको दूंगी और आप इसे नोट करते जाएंगे। चलिए बच्चों, शुरू किया आपने नोट ले करने के लिए, आपने अपनी नोटबुक ले ली होगी, तो इंशाल्लाह चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, माहौल का मुताला चौथी जमात का हिस्सा अलीफ है यानी वन है, और ये छठा सबक है गिजा में तनु। चलिए इसके सवाल हम हल करेंगे। अलीफ में है, मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है, गेहूं के जरिए कौन कौन सी गिजाई अशिया बनाई जाती हैं? तो जवाब है, गेहूं के जरिए रोटी, पूरी, नान, ब्रेड और चपाती, बिस्किट बनाई जाती है। ठीक है, दूसरा सवाल है यहाँ पर कि मुख्तलिफ किस्म के खाने के तेल के नाम लिखिए। दूसरा है यहाँ पर जवाब के, मुख्तलिफ किस्म के खाने के तेल में सोयाबीन तेल है, सनफ्लावर तेल है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, नारियल का तेल है, मूंगफली का तेल, इन सभी से खाना बनाया जाता है। तीसरा है, आपके शहर में बनने वाली खास गिजा शय कौन सी है?
देखिए आपके आसपास कौन सी गिजाई चीजें मिलती हैं जो आप गए और खरीदे और खा लिए, ये गिजाई शय किस चीज से बनाई जाती है ये भी बताना है। तो चलिए जवाब तीसरा को देखेंगे कि हमारे शहर में बनने वाली खास गिजाई अशिया ये हैं, जैसे समोसा, कचोरी, वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी, डोसा, इडली, चाइनीज खाने, शोरमा, फ्रेंकी, पानी पूरी, भेल पूरी, दही पूरी, सेव पूरी। ये सारी चीजें ज्यादातर मैदा, बेसन, इमली, हरा मसाला यानी उससे चटनी वगैरह बनती है और सब्जियों से बनाया जाता है। इनमें कई तरह के तेलों से तलकर इन्हें बनाया जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल हम देखेंगे। बे में ग्रो में मुख्तलिफ गिजाई शय के गिर्द में आपको इस तरह से दायरा बनाना है और इस ग्रो में शामिल ना होने की वजह भी लिखनी है। तो यहाँ पर हम ये पहले में हम देखेंगे, यहाँ लिखा है कैरी का अचार, आम, मुरब्बा, आम रस। तो हम देखेंगे कि ये कैरी से बना है, कैरी का अचार, और मुरब्बा बन गया है, कैरी से ही मुरब्बा बनता है, कैरी से ही आम रस बनता है। लेकिन आम जो है ये कैरी को पक्का हुआ होता है, तो इसको दायरा आम कर देंगे, ये इसको इनमें से आउट कर देंगे। ओके, दूसरा है यहाँ पर पुलाव, पराठा, दही चावल और बिरयानी। तो पुलाव जो बना है वो चावल से बना है, दही चावल भी चावल से बना है, बिरयानी भी चावल से बनी है, तो पराठा जो है वो गेहूं से बना है, तो इसको हम दायरा कर देंगे, आउट कर देंगे इस लाइन से। तीसरा है मैसूर पाक, ये एक मिठाई है, और पूरन पोली क्या है, एक मीठी रोटी है, थाली पीठ क्या है, एक मसालेदार रोटी है, झनका भाटर क्या है, झुनका भाकर, ये भाकर यानी भाकरी है, यानी ये भी एक रोटी है। ठीक है, तो ये सारी रोटियां हैं, लेकिन ये जो है मैसूर पाक ये एक मिठाई है। मैसूर पाक आपको पता है ना, खूब जालीदार मीठी मिठाई बेसन से बनती है, लेकिन ये एक मिठाई है। ठीक है, तो इसको हमने आउट कर दिया इस लाइन से। तो यहाँ वजह पूछी जा रही है कि इस ग्रोह में शामिल ना होने की वजह क्या है। तो ये आम है, इस ग्रोह में इसलिए नहीं शामिल हो रहा है कि हमने यहाँ पर कच्ची कैरी के तीनों चीज बताई, लेकिन ये आम जो है वो पका हुआ एक आम है, यानी कैरी पकी हुई है, इसलिए इसे हमने अलग कर दिया। अब पराठे को अलग इसलिए किया कि ये सारी तीनों चीजें चावल से बनी है, ये अकेला गेहूं से बना है, इसलिए हमने इसे अलग किया, है ना। मैसूर पाक को क्यों अलग किया, क्योंकि ये एक मिठाई है, बाकी तीनों एक रोटी की किस्म है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, हम जीम के सवाल पर चलते हैं। जेल में से अनाज, सब्जी और तरकारी पहचानिए, इनसे कौन कौन सी गिजाई अशिया बनती है, इनकी फहरिस्त बनाइए। अब यहाँ है भुट्टा, कद्दू, मेथी। तो पहले हम भुट्टे की बात करेंगे। तो भुट्टा एक अनाज है जिसे ये बाली यानी ताजा होता है, जब ये ताजा होता है तब इसे भूनकर नमक, मिर्च और नींबू लगाकर खाया जाता है। जो देखो सेका हुआ बाहर हमें मिल जाता है, हम 5-6 रुपए में भी भुट्टा खरीद के खा लेते हैं, घर में भी लाके इसे भून के इस तरह से नमक नींबू लगा के खाते हैं, और बाली को सुखाकर उसके दानों को कुकर में थोड़ा सा तेल और नमक और हल्दी डालकर पकाते हैं ना, तो वो बन जाता है पॉपकॉर्न। ठीक है, आप थिएटर में पिक्चर देखने जाते हो, पॉपकॉर्न खरीद के खाते हो, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, और इसको यही दानों को अगर पीस दिया जाए तो उसकी हम चपाती भी बनाते हैं, तब इसका जायका और भी बेहतर हो जाता है। ठीक है, दूसरा है कद्दू। कद्दू है ये एक सब्जी है, हम इसे सब्जी बनाते हैं या इसका सूप भी बनाते हैं या इसका हलवा भी बनाते हैं कद्दू से। तीसरा है यहाँ मेथी। मेथी ये हरी तरकारी होती है, इसे नमक, मिर्च और आलू के साथ बनाया जाता है। सूखी मेथी के दानों का इस्तेमाल भी ठंडियों में लड्डू बनाकर किया जाता है। मेथी के दानों को मसालों में शुमार किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपकी तैयार करदा फहरिस्त अपने दोस्त सहेली की फहरिस्त से मुआजना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपने बनाया यहाँ पे चावल से मोदक और डोसा, आपकी सहेली ने क्या बनाया यहाँ पर चावल से। अब देखिए यहाँ पे दूसरे जो अनाज बताए जा रहे हैं कि आपकी फहरिस्त में जो अशिया ना हो लेकिन इसकी फहरिस्त में मौजूद हो, तो ऐसी अशिया जेल की तरह जदुल में लिखिए। तो आपकी सहेली ने अगर बाजरे से कुछ बनाया होगा जो कि आपने चावल से बनाया, तो बाजरे में उसने क्या बनाया, तो जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रही हूँ, उसने अप्पम बना दिया बाजरे से, चपाती बनाई, उसने जवार, अगर आपके कोई दोस्त ने जवार के बारे में लिखा हो तो आप उसको बता सकते हो कि जवार की रोटी और खिचड़ी बनती है। गेहूं किसी ने लिखा है, आपने उस चावल के बारे में लिखा, उसने गेहूं, तो उसने गेहूं से क्या बताया, पूरी और मलीदा।
चीकू से कोई किसी ने लिखा तो क्या होगा, चीकू से मिल्क शेक बन जाता है। इसी तरह से जेल की तरह जदुल बनाइए, जिला रियासत और अशिया की फहरिस्त बनाइए, और ये अशिया कौन से अनाज फल तरकारी से बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पालघर को लिख दिया कि ये रियासत पालघर है, यहाँ चावल ज्यादा उगता है और चावल से जो बनता है वो बिरयानी बनती है। इस तरह से आप दूसरी रियासतों को इसके नीचे दूसरा यहाँ पे बॉक्स बनाइए और उसमें भरिए। तस्वीर में जो फल नहीं है लेकिन आप इनसे वाकिफ हो तो ऐसे फलों के नाम भी मौसम के लिहाज से जदुल में लिखिए। अब यहाँ पे जितने भी फल दिए हैं बच्चों, इनको हिसाब से मैंने मौसम के हिसाब से यहाँ इसे इस जगह पे डाला है। तो गर्मा में कटहल, लीची, आम, तरबूज, खरबूजा। यहाँ पे देखिए अब कटहल यहाँ पर दिया हुआ है ना, लीची नहीं दी है तो मैंने वहां पे डाल दी, आम यहाँ पे दिया हुआ है तो मैंने डाला, तरबूज और खरबूजा भी, ये खरबूजा है और ये तरबूज है, तो मैंने ये गर्मा के मौसम में अपने हिसाब से समझ से डाला है। बरसात में क्या क्या होते हैं, जामुन, अब यहाँ पे जामुन दिया हुआ है, चीकू, चीकू भी यहाँ पे दिया हुआ है, केले, केले यहाँ पर देखो दिया हुआ है, नाशपाती, ये है नाशपाती। अब सरमा के मौसम के फल देखते हैं, पेरू, तो पेरू यहाँ पर है, स्ट्रॉबेरी यहाँ पर है, संतरा यहाँ पर है, और अंगूर यहाँ पर है, रसबेरी, ये रसबेरी है ही नहीं तो मैंने वो भी फल डाले जो इस मौसम में मिलते हैं, बेर, बेर यहाँ पर नहीं है लेकिन इस मौसम में आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है सेब, सेब पूरे साल में हर बार कहीं पे भी मिल जाते हैं, तो सेब आप देखोगे ना साल भर मिलते हैं, है ना, हम बीमारों को ज्यादातर सेब और केला खाने को देते हैं ना। अब यहाँ पे देखो अपनी ब्याज में मंदरजा झील के मुताबिक जदुल बनाकर अनाज या सब्जियों के जरिए आपके घर में बनाई जाने वाली गिजाई अशिया का इंदराज कीजिए। अब चावल से बनने वाली चीजों में क्या क्या होता है, रोटी, इडली, चावल। अब मैं उसने कहा कि आप अपने हिसाब से डालना है तो मैंने यहाँ पे सब्जियां डाली, तो कैरी डाली मैंने, कैरी से मैंने यहाँ मुरब्बा डाला, ये मुरब्बा है, और ये अचार डाल दिया, ये अचार देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से आप भी जदुल में और जो समझ में आता है अनाज और सब्जियों को अलग अलग कॉलम बनाइए और उसमें भरिए। इस तरह से सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, तो दूसरी रियासतों में बनाई जाने वाली गिजाई अशिया की मालूमात हासिल कीजिए दूसरी रियासतों के। वहां यहाँ पे देखो ये महाराष्ट्र की रियासत दे रहा है, उसके आसपास जो मैंने आपको बताया यहाँ पे है रियासत, यहाँ पे रियासत कर्नाटक है और तेलंगाना है, ये रियासत छत्तीसगढ़ है, तो इनमें से क्या क्या चीजों को दिखा रहा है ना, उन चीजों को आपको फहरिस्त बनानी है और अपने सरपरस्तों की मदद से वो शय घर में बनाइए, अपने अम्मी से बोलकर आप वो घर में पकवाइए। और दूसरे शहर में जाकर आपने जो चीजें खाई हैं इनमें से वहां की मशहूर गिजाई अशिया की फहरिस्त बनाइए। मालूम कीजिए कि इसके लिए कौन सी अहम गिजाई चीजें इस्तेमाल की गई हैं, यानी वो पकने में क्या क्या चीजें लगती हैं, आपको उसकी भी फहरिस्त बनानी है। तो बच्चों ये सरगर्मी आपको अपने ओन से करना है, इस डायग्राम यानी इस जो मैप है इसको देख के करिए, ये महाराष्ट्र का मैप है, इसे देख के आप इस तरह से फहरिस्त बना सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सबक के साथ सवाल जवाब भी हल हो गए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक जरूर दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में बहुत ज्यादा शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े, घर बैठे आसानी से सारे सवाल जवाब वो हल कर सकते हैं और आसानी से पास हो सकते हैं। कोई डायग्राम वगैरह जो भी है वो सारे मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उससे जरूर इस्तेफादा कीजिए। कोई भी डाउट आ गया इस सबक के मुतालिक आपके जहन में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।